हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, अली सर। अच्छा मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ बोलिए। अभी आपको क्या, मैं आपको डिटेल बताऊँ आपका मेरा डिटेल ये है प्रॉब्लम? हाँ कि बोलिए मेरा लास्ट मंथ का हमारा पूरा महीने का बिल पेड है, राइट? लास्ट मंथ के भी, लेकिन ये जी मंथ जी के जी बिल में हाँ करंट चार्जेस बता रहा है वो 11681 वन करंट सिक्स मंथ एट वन चार्जेस। करंट मंथ बिल करेक्ट हाँ, वन और सिक्स एट वन प्रीवियस बता रहा है आई 1109। 1109। ओके ओके, ओके प्रीवियस हाँ भर चुका है तो हाउ कैन इट जी विल बी एट सेकेंड टाइम? हाँ ओके। अभी अली साहब, अभी कैसे मालूम है, ये जो पिछले 3 महीने का जो बिल है, आपने 1580 और एक बार आपने कितना भरा था, मैं आपको बताता हूँ, 1340। उसके अभी रिसेंटली अपन बैठे बराबर, उसके पहले आपने 3080 भरा था बराबर, वो तीन उसके हजार जो पहले अस्सी पंद्रह सौ भरा तीस था हाँ वो जो दो नहीं नहीं महीने सुनिए का ना, था, दो नहीं नहीं महीने का सुनिए ना, था। अभी द मेन प्रॉब्लम इज आपको जो बिल भेजा है ना, दैट इज असेस बिल, एवरेज बिल, पिछले 3 महीने का जो एवरेज है ना। लेकिन साहब, अभी हेलो ये जो हेलो प्लीज हेलो, सुनिए ना, प्लीज प्लीज सुनो सुनिए सुनो ना, सुनो, मेरी यू मेरी यू बात तो पज आप सुनिए ना मेरी बात सुनो बॉस। जी। आप ये बोलिए एवरेज सर, बिल मैं बोलते पहले आपकी किसको पूरी है? बात सुन सर, आप मेरे आप में वो आपकी पूरी बात सुनता हूँ, फिर आप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप हाँ हंड्रेड बोलो परसेंट समझ जाओगे। आप बोलो बोलिए। बोलो बोलो। हाँ, अभी द मेन प्रॉब्लम इज ड्यू टू ये कोडाउन की ये इसके वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम लोग एक्चुअल रीडिंग ले नहीं सके। बट आप बोलेंगे एक्चुअल रीडिंग नहीं लिया और आपने बिल कैसे भेजा, तो जो एज पर गवर्नमेंट एमईआरसी के रूल के हिसाब से पिछले 3 महीने का जो एवरेज था ना, वो एवरेज के हिसाब से आपको हम लोग ने बिल भेजा था। ओके, मार्च में रीडिंग, मार्च के बाद आफ्टर सेकंड थर्ड वीक रीडिंग नहीं ले सके, अप्रैल में नहीं ले सके, जून में, अभी मार्च अप्रैल में 3 महीना गया, और आपका 3 महीने का जो बिल था ना, एवरेज बिल था, वो कितना कितना था मैं आपको बताता हूँ। आपने टोटल तीनों बिल आपने पे किए बराबर, राइट राइट। बट द प्रॉब्लम कहाँ गया मालूम है आपका? देखिए जो एवरेज है ना, एवरेज बिल अगर आप पिछले साल का भी देखेंगे, अभी आपको करंट वन बिल आया 1680 रुपए, राइट सिक्सटीन एटी राइट। वन और उसमें एडिशनल आपको 1100 रुपए का कुछ एडिशनल बिल भेजा है, तो आपका एडिशनल ये और दैट इज प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट, दैट इज डिफरेंस प्रीवियस। तो प्रीवियस अमाउंट क्यों आया इसके अंदर मालूम है? आपको जो मार्च का बिल भेजा था वो, दैट इज ऑल्सो एवरेज बिल। सर, वो आपकी भाषा में प्लीज उसे सुनिए ना, एवरेज बिल बोलते प्लीज हैं सुनिए ना, और मेरी भाषा में उसे प्रीवियस नहीं अमाउंट नहीं बोलते हैं, वो बताता हूँ मैं ना मैं भर आपको, ये चुका हूँ। सारी सारी जानकारी आप 100% सेटिस्फाई हो जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, प्लीज हाँ ट्राई टू बोलिए अंडरस्टैंड। बोलिए बोलिए अभी बोलिए। मार्च का बिल एवरेज बिल गया, अप्रैल का बिल एवरेज गया, मई का भी बिल एवरेज बिल गया, ये 3 महीने के बाद हम लोग ने अभी रिसेंटली आपका रीडिंग लिया, यानी 4 महीने के बाद हमने आपका एक्चुअल रीडिंग लिया। ओके। बट अभी ये 3 महीने पहले जो रीडिंग आपको बिल भेजा था बराबर है, वो पर्टिकुलर मंथ में एक एवरेज बिल भेजा था, एक सम अमाउंट समझो 1580 भेजा, बट वो पर्टिकुलर पीरियड में, अभी देखिए अभी लॉकडाउन में सब लोग घर में है बराबर है, अभी मैं भी घर में हूँ, मैं घर से काम कर रहा हूँ। देखिए जो हम लोग कैसे होते हैं, हम फैमिली मेंबर में से अभी जो मेन है, समझ मैं वो मेरा लड़का, हम सब लोग काम पे जाते थे, मगर अभी फ्रॉम लास्ट 90-100 डेज हम लोग घर में ही है। साहब सुनिए अगर ना, घर में, आप जैसे नहीं घर सुनिए में ना है प्लीज, ना, तो जो वो जो यूज है ना आपका, यूज ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, जो एवरेज पिछले साल में अगर आप ये पर्टिकुलर 3 महीने का बिल देखेंगे ना, तो बिल और आपका अभी का बिल कंजम्पशन यूनिट वाइज भी ऑलमोस्ट सेम है, सुनिए ना तो साहब, थोड़ा सुनिए सा ना, जो मेरी फर्क है ना बात बोलने ये। दीजिए, अभी आपने बोल लिया सर, हाँ बोलिए बोलिए। आप बोल रहे हैं यूनिट वाइज कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन उतना ही है और यूनिट भी उतना ही है जितना एज पर द हाँ अमाउंट हर प्रीवियस अमाउंट के हिसाब से बराबर कैलकुलेट किया है आप लोगों ने। ओके, हाँ हाँ जहां तक कि मुझे भी थोड़ा नॉलेज है, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और और साथ ही आप साथ तो मैं जल्दी वकील भी समझने हूं वाले, साहब। देखो आपको समझाने के लिए आप इजी है मेरे हाँ लिए तो उल्टा, सुनिए सुनिए ना मेरी मार्च बात, आप मेरी बात सुन लीजिए साहब, अभी आपने बोला ओ मैंने सुना जी आपकी, अब जी मेरी 5 मिनट जी दीजिए। जी जरूर सुनना है आपके लिए, तो हाँ, मैंने फोन अभी किया। आपने जो ये एवरेज वर्ड, ये जो हाँ इस्तेमाल किया ना एवरेज रीडिंग, जी दैट नथिंग हैज यू हैव बीन मेंशन इन दिस बिल। आपने क्या मेंशन किया? प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट किसे बोलते हैं साहब? जो पिछले महीने हमें नहीं भरा वो आपने इसमें ऐड किया। हाँ सुनिए ऐड किया, सुनिए, हाँ राइट। बराबर अभी है, आप ये मुझे पॉइंट बोल मैं रहे लेके हैं रखता तीन हूँ कि महीने। क्यों आपको पिछले सर महीने सर का सर डिफरेंस सर आया है। सर ओके, प्लीज वन मिनट प्लीज। मेरा बोलने का वक्त है तो प्लीज आप सुनिए, आपको मैंने जरूर सुना, जरूर सुनना ही पड़ेगा, तभी सुनिए तो मैं आपको समझा सकता हूँ सुनिए ना। सर, 3 महीने का अभी आप बोल रहे हैं कि आपने रीडिंग नहीं लिया। ओके जी चलिए, मैं हाँ मानता हूँ आपको कोरोना वायरस ओके से थोड़ा डर था, आपके बंदे नहीं आए, जी ये बीमारी लग जी सकती थी, दैट इज जी नॉट आवर फॉल्ट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट, ये नो नॉट हमारा फॉल्ट पॉसिबल नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम बराबर। फॉर अडानी ओके पावर, हाँ नॉट कंज्यूमर प्रॉब्लम, फर्स्ट। करेक्ट सेकेंड, करेक्ट रीडिंग 3 महीने के बाद आप लेते हो और उसके बाद जी आप ये मुझे बोलते हो सर हमने 3 महीने का एवरेज रीडिंग लगाया और आपको ये बिल भेजा, दैट मीन्स यू आर टेलिंग दैट एवरेज रीडिंग यू हैव टू पे 1109 प्रीवियस अमाउंट, राइट?
ठीक है, जो आपको बताने आप बताइए, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, मतलब आपकी भाषा में उसे एवरेज कहते हैं, मेरी भाषा में प्रीवियस कहते हैं, क्योंकि जो आपने बिल में मेंशन किया है। अभी आप ये एवरेज जो बोल रहे हैं ना सर, ये एवरेज आप बिल में मेंशन करो, ऐसा करके एक लाइन सुनिए कि हम लोग ये तीन महीने का जो लास्ट प्रीवियस तीन महीने में हमने जो एवरेज रीडिंग नहीं ली, वो एवरेज रीडिंग के हिसाब से एज पर द नॉर्म्स एंड कंडीशन बाय अडानी पावर, हम लोग उनको तीन महीने के हिसाब से एज पर द रीडिंग ये चार्जेस देने के लिए बोल रहे हैं। लीगली भाषा में एकदम परफेक्ट समझा। उसके लिए आपको जो बिल है ना, इसके पहले एक बिल आया रहेगा, उसमें सारी डिटेल हम लोग ने भेजी है कि उसमें आपको, अभी मैं दो मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, मार्च में आपको 188 यूनिट का बिल गया है, मार्च में 188 का यूनिट का, तो अमाउंट इज 1617। ओके, सुनिए ना सर, मेरे घर में ना कुछ नहीं चलता है, मेरे घर में ना नॉर्मली सब चीजें हैं जी। हमारे घर में एसी भी है तो बड़ी नॉर्मल तरीके से चलती है, ज्यादा नहीं है जी, कभी कभार जी। और हमारे घर पे एक लाइट और पंखा, हम गरीब लोग हैं साहब, छोटे लोग हैं जी, हम लोग इतने बड़े तो है नहीं कि दिन भर हमारा कोई 10 लाख 8 लाख का बिल आता है सर। नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे जैसे और ऐसे कितने अफेक्टेड लोग हैं, आपको मैं अगर कंप्लेंट लाके दिखाऊं तो 500-600 मेरे अभी भी लोग कॉन्टेक्ट में है, बहुत बहुत कंप्लेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्यनली बता रहा हूँ। अब मैं बोलूँ क्या, अभी बोलिए सर, जो अपना मेन पॉइंट क्या है कि आपको जो बिल कैसा है वो, दैट इज द मेन पॉइंट। आपको मार्च में 188 यूनिट का बिल भेजा, दैट इज हम अभी हमारे हिसाब से एवरेज बिल बोलते हैं उसको, अंदाजित बिल, एक्चुअल रीडिंग वाला नहीं है, बट कंजम्पशन 188 यूनिट का बिल आपको गया 1617 रुपए का। ओके, द अमाउंट इज 1617 रुपीज। ओके, उसके बाद अप्रैल का बिल गया 195 यूनिट, दैट अमाउंट इज 176। आप बोलेंगे 188 यूनिट्स का बिल 1600 कैसा हो गया और 195 यूनिट कंजम्पशन ज्यादा है और इधर बिल कम कैसा गया। तो आफ्टर अप्रैल ऑनवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एमएआरसी ने जो रिवाइज किया रेट, उसके हिसाब से दिस इज द मेन पॉइंट। इंपॉर्टेंट थिंग आप बोलेंगे अरे 190 यूनिट का बिल 1600 आता है, 195 यूनिट का बिल 1400 कैसा आ गया, तो दैट इज द मेन पॉइंट। अगेन 188 यूनिट इन मे सेम, बट आफ्टर अप्रैल जो है ना, इसके लिए आपको 1350 यूनिट का बिल भेजा आपने, हम लोग ने, बट इन पर्टिकुलर दिस मंथ अप्रैल में आपका जो हम लोग ने रीडिंग लिया ना, उसमें वो डिटेल आ जाते हैं, किसमें अपना जो डेटा हम लोग डाउनलोड करते हैं ना, उसमें योर कंजम्पशन वाज 231 यूनिट और हम लोग ने बिल किया आपको 188 यूनिट, तो 231 यूनिट कंजम्पशन का अमाउंट होता है 2049, डिफरेंस इज 431 आप लिख लेना मंगते तो। नेक्स्ट अप्रैल मंथ हम लोग ने बिल भेजा 195 यूनिट का, एंड योर कंजम्पशन वॉज फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ 238 यूनिट, एंड बिल वॉज 1833, डिफरेंस इज 366 रुपीज फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। उसके बाद मई में हम लोग ने आपको सेम कंजम्पशन का बिल भेजा 188 यूनिट, एंड दैट मंथ कंजम्पशन वॉज 230 यूनिट, दैट अमाउंट वॉज, टोटल अमाउंट वॉज 1674 और हम लोग ने बिल भेजा था आपको 1350 यूनिट। अगर हम 430 366 323 अगर ये टोटल करेंगे तो 1112 रुपए होते हैं। दिस इज द डिफरेंस, ये तीन महीने का डिफरेंस। ये कैसे पता चला, जब रीडिंग लेने के बाद हम लोग डेटा डाउनलोड करते हैं ना, तो हमारे पास पूरे रीडिंग का डेटा आ जाता है। तो अभी यू नाउ योर करंट, अभी जस्ट मिनट, अभी प्लीज मेरा पूरी बात सुनिए, आपका लास्ट ईयर का मैं आपको कंजम्पशन अमाउंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अमाउंट क्या मालूम है, अप्रैल ऑनवर्ड्स रेट चेंज होता है, आपका कंजम्पशन चेंज होता है, तो मैं आपको यूनिट कंजम्पशन पिछले साल का पर्टिकुलर दिस मंथ, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत दो चार पांच यूनिट आगे पीछे हो सकते हैं, बट अभी हाँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज प्लीज वेट करिए, जरा थोड़ा सा स्लो है ना, मैं घर से बोल रहा हूँ ना। नहीं नहीं आराम, कोई टेंशन नहीं, आप बोलिए साहब, हम सुनने बैठे हैं, हम तो कंज्यूमर है, कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जगह पे मैं भी रहूँ ना, तो मैं भी आपको, किसी को भी ये डाउट आने जैसा है, लेकिन इस सिस्टम के हिसाब से है ना, सिस्टम के हिसाब से थोड़ा, तो बिलिंग सिस्टम जो है ना जी, अभी मई में आपको 230 यूनिट का बिल गया था, 2020 की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम लास्ट ईयर इन द सेम मंथ योर कंजम्पशन वॉज इन मे ऑलमोस्ट 235 यूनिट। ओके, अभी अप्रैल में, एक मिनट रुक जाए, पूरा पीछे का और एक पीछे का, जो आप बोल रहे हैं ना कि आपका कंजम्पशन जैसा है वैसा ही है, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि आपके ज्यादा कंजम्पशन में थोड़ा 5-10% इधर उधर हुआ है फर्क। सुनिए ना सर, मैं आपकी बात एकदम 100% मैं आपको पहले सुनिए 100% मैं आपकी बात पे सहमत हूँ सर, लेकिन मेरी बात का बोलने का मकसद ये है
why you have not mentioned in a bill that this is you are charging a average reading, not a previous amount? सर मैं आपको क्या बोला, आपने लीगली भाषा में ये जो सेंटेंस बोला ना, ये हमारे बड़े साहब लोगों को अगर पता चलता था ना, तो 50% लोग है ना आपके जैसे लोग कंप्लेंट भी नहीं करते थे, कंप्लेंट करने की जरूरत भी नहीं थी समवेयर. उन लोगों ने, हम लोगों ने बिल भी मेंशन किया. यू पीपल आर इन फॉल्ट ना सर. सर हम फॉल्ट नहीं, लेकिन अगर कंजम्पशन यूज किया है तो इसके लिए. अरे सर जी मेरी बात सुनिए, आप जो आपकी भाषा में बोल रहे हैं बिल के लिए, आप आर यू एग्री और नॉट? I am agree for the bill for this month. See, you have mentioned the total amount 2790 जो भी है, लेकिन मेरा बिल कभी भी ना अराउंड 1600-1500 ऐसे में आता है. अब सडनली जो 3000 का आपने जो बताया ना मुझे, एक साल के मैं अमाउंट की आपको बोलूं कितना कितना. सुनिए ना सर, वो जो आप जो बोल रहे हैं ना एक साल का अमाउंट, वो दो दो महीने कभी कभी मैं लेट हो जाता हूँ भरने, तो दो महीने का मिला के कैलकुलेशन आपको दिखाता है बिल में. भाई आपने पेड किया हुआ अमाउंट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं. देन एक मिनट रुक जाइए, मैं पेड किया हुआ अमाउंट देखो अभी क्या होता है. हम लोग समझो अभी 1500 रुपए, अगले महीने 1000 है, तो हम लोग दो महीने का बिल 2500 रुपए भरते. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 2500 रुपए महीने का बिल है, मैं आपका एवरी मंथ एवरेज कंजम्पशन एंड करंट मंथ बिल. जनवरी 19 में आपका 197 यूनिट्स का अमाउंट वाज 1626, फेब्रुआरी में कंजम्पशन वाज 193 यूनिट्स एंड अमाउंट वाज 1593, मार्च में 218 यूनिट्स और कंजम्पशन अमाउंट वाज 1838, अप्रैल में पिछले साल की बात कर रहा हूँ 220 यूनिट और अभी कितना आया 231 यूनिट. सो 10 यूनिट का फर्क तो जनरली आएगा ना. अमाउंट वाज 1922 और मई में कंजम्पशन था आपका 224 यूनिट, अमाउंट वाज 1979 और जून में, यानी अब देखिए अभी जून का जो बिल आता है ना वो पिछले महीने का कंजम्पशन. सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ. सर जी सुनिए ना, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ. आपने बताया 10 यूनिट का फर्क आ रहा है, तो हमने एवरेज रीडिंग के हिसाब से जो 100 प्रीवियस अमाउंट लिख के इस पे भेजा है, तो ठीक है हमारे दिमाग में ये है कि प्रीवियस अमाउंट हमने भर चुका है. आपका दिमाग ये बोल रहा है दैट इज एवरेज रीडिंग, राइट? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर मेरा भी एक बोलना है एज अ कंज्यूमर कि आपको इस पे मेंशन करना पड़ेगा कि भैया दिस इज द एवरेज बिल, एवरेज अमाउंट ऑफ लास्ट प्रीवियस 3 मंथ एज पर द यूनिट. ठीक है, क्या होता है मेरे पास ओरिजिनल बिल की कॉपी इधर नहीं है. नहीं मेरे पास है सर, मैं वो देख के आपसे बात कर रहा हूँ. कहीं भी लिखा नहीं है ना उधर? नहीं लिखा है एवरेज अमाउंट आपका, कहीं नहीं. आपने लिखा है कि आपके जो चार्जेस लिखे हैं लाइक 362 फिक्स चार्ज लिखा है आपने, 925 रेगुलेटरी एसएस चार्जेस लिखे हैं आपने, 223 गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो 16% लिखी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स लिखा है इलेक्ट्रिसिटी 60.15 26.4 यूनिट देते हो आप लोग, बाइफर्केशन करके दिया. करंट अमाउंट लिखा है 1681 और प्रीवियस लिखा है 1109. ये आपका टोटल बिल है. देयर इज वेयर यू हैव नॉट मेंशन एनीवेयर एल्स लाइक दिस इज एवरेज अमाउंट. करेक्ट करेक्ट राइट सर, आपकी बात मैं 100% मानता हूँ. ये अगर कंज्यूमर किसी को अगर कहीं भी अगर सर जब तक आप ये क्लेरिफिकेशन नहीं दोगे तो सभी आपके वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे. वही हो रहा है, गरीब लोग के पास खाने को नहीं है इस वक्त और आप लोग डबल अमाउंट लोगों तो डरेंगे बेचारे, क्या करेंगे फिर? सब लोग डरेंगे क्यों है? तो दो योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी है, आपके हायर डिपार्टमेंट को बोलिए. आपका मैसेज जरूर हम फॉरवर्ड करेंगे. मैंने आपके जो नारले साहब है ना, नारले साहब जी जी सर, मैंने नारले साहब सबको अभी व्हाट्सएप, अडानी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी भेजा है, सब पे भेजा है. और अगर आप बोलते हैं तो ट्विटर पे भेजना, उस पर भी पूछ देता हूँ. तो मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की, उसमें अगर आप इफ यू आर सेटिस्फाइड कि बिल कैसे है ना, मैं एक अकेला आदमी हूँ जो सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो मेरे बोलने से जनता नहीं चलेगी ना सर. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, आप पर्टिकुलर आपके बिल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. राइट, मेरे बिल के बारे में आपने जो मुझे बताया एवरेज अमाउंट, मैं आप मुझे टाइम दीजिए, मैं कल आपसे मिलने आता हूँ. नहीं सर, हम लोग घर में अभी मैं आया, अब वो 56 तो मुझे घर से ही बात सर, ये ना, प्रिकॉशन लेंगे पूरा, कोरोना वायरस का मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और सोशल डिस्टेंस की पूरी फॉर्मेलिटी रखेंगे और आपसे बात करेंगे सर. नहीं सर, मैं अभी घर से ही, मुझे कंपनी ने मना किया है. मुझे बिल देख के बता रहे हैं तो मैं आपकी बात पे कैसे भरोसा करूं सर? ऑनलाइन मुझे जो है ना बिल, वो सब हम लोग को प्रोवाइड किया है, जैसा मैं ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ ना. सुनिए ना सर, सुनिए ना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ काटकर साहब, आप एक अडानी पावर के एक एम्प्लॉय बात कर रहे हैं मुझसे, लेकिन सर मुझे अगर जो शंका है मेरे दिल में, जो मुझे क्लियर करना, जो आपने मुझे बताया, लेकिन वहाँ बैठ के आपके सामने में करना गलत है,
सर लेकिन आप ऑफिस में आएंगे तो मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे अभी कंपलसरी बोला है घर से काम करने के लिए। किसी का कॉन्टेक्ट नाम कोई भी रहेगा आप जरूर, क्योंकि अभी टोटली फुल फ्लेश में ऑफिस में कोई कस्टमर केयर में कोई बैठता नहीं, मैं कस्टमर केयर का आदमी नहीं हूं। ना सर, मैं घर से, आप मुझे ये बताइए आपकी पोस्ट क्या है? मैं मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हैं, कौन सी रीजन मैनेजर है? मैं न्यू कनेक्शन डिपार्टमेंट में काम करता हूं। न्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट में, ओके सर। अभी मुझे ये पर्टिकुलर देखता है जो बिल में इस तरह से जूही, जूही जूही इज द कस्टमर केयर इंचार्ज। जूही 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 आपको नंबर वगैरह चाहिए कोड कैन? जूही मल्होत्रा। जूही मल्होत्रा, जूही मल्होत्रा मैडम कहाँ बैठती हैं? कस्टमर केयर ग्राउंड फ्लोर में जो इंचार्ज है, कस्टमर केयर इंचार्ज जो बैंड्रा में है। जी वो बैंड्रा अरेनी पार्किंग ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर में, तो मुझे उनका नंबर मिलेगा? जरूर जरूर, जस्ट अभी मैं आपको SMS करता हूँ। मुझे SMS कीजिए। और सर जी, नारले साहब से मिलना जरूरी है या कहाँ ऊपर जाना है बोलिए सर, मैं भी वहाँ भी जाता हूँ। अभी सर अभी नारले साहब अभी अभी उनका ट्रांसफर दूसरे जोन में हो गए, आप जरूर कॉन्टेक्ट करिए, नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि कहीं भी रहेंगे तो कंपनी के नारले साहब की जगह कौन बैठते हैं सर? अभी संपदा मैडम आई है। संपदा मैडम, ओके सर, संपदा मैडम से मैं मिलूंगा। और दूसरा सर जरूर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जैसे मेरे साथ और भी कई लोग हैं बेचारे जो बिल नहीं भर पाए हैं, तो मुझे उनके बिल लेके आपके पास आना है, आपसे मुलाकात करनी है, 2 मिनट का टाइम अगर आप बोलेंगे तो। इसमें सर मैं लेटर लिख के मुख्यमंत्री को भी देने तैयार हूँ, नितिन राउत जी जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है उनको भी देने तैयार हूँ, आप जैसा बोलेंगे सर वैसे फॉलो अप करता हूँ। संजय निरुपम जी जो कांग्रेस के लीडर है, मैं उनको भी देने तैयार हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, मैं अभी आपको सिर्फ ये जो काम है ना, ये कस्टमर केयर का काम, हम घर से बैठने के लिए कंज्यूमर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं मेरा काम पर्टिकुलर 100% तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी बात मैं समझ चुका सर, पर्टिकुलर दिस बिल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा रेगुलर वर्क जो है ना वो दूसरा है, लेकिन घर में बैठ के कंज्यूमर की क्वेरीज एक्सप्लेन करना मेरा, मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके कंज्यूमर को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि वो सब डेटा देखिए, कंज्यूमर ने कंपनी ने मेरे को जो डेटा प्रोवाइड किया है, मतलब कंपनी का जो एक्चुअल डेटा है, आपका बिल पास्ट कंजम्पशन प्रीवियस बिल कंजम्पशन जो है वो देखिए ना। मैं आपको समझा जी, कभी मिलते हैं। अभी आप ड्यूटी कब से ज्वाइन करेंगे? मुझे तो घर से मुझे लगता है अभी 6 महीना तो मैं ऑफिस में नहीं आऊंगा। अरे साहब ऐसा मत कीजिए, आप 6 महीने नहीं आएंगे तो गरीब लोग मर जाएंगे फिर। अभी तीन दिन पहले मेरा कंप्यूटर मेरे घर से भेजा है, बोला कि आपको कंपनी में आप वो 55 आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक वगैरह, अच्छा, जो ऐसे अच्छा, आदमी लोग को आई एम सफरिंग फ्रॉम, तो ये अच्छा, ऐसे अच्छा, जितने आप वो 57 रनिंग, तो मुझे कंपनी ने बोला है कि आपको ऑफिस में आना नहीं है, कि कंपनी में अपने गाड़ी से। सुनिए ना, मैं जूही मैडम से भी मिल लेता हूँ, संपदा मैडम, इन दोनों का नंबर मेरे मोबाइल पे में कोई कंप्लेंट है सर? मेरे बारे में कोई कंप्लेंट है क्या? मैं समझाने में कुछ कम गिरा है क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। हेलो हेलो, हाँ जी, SMS कर दीजिए ना। जरूर जरूर, मैं जरूर SMS करता हूँ, और मैंने जो समझाया उसके बारे में भी आप बोल देना भाई। मैंने मेरे मुझको काटकर साहब ने समझाया, अगर आप कुछ अगर आपको लगता है कि ये सब कम है या कुछ उसमें एक कमी है तो आप जरूर बोल देना कि भाई। नहीं, नहीं, काटकर साहब, मैं आपका नंबर भी सेव कर लेता हूँ, आप मुझे जूही मैडम का और मुझे मेल आईडी भी दीजिए सर, इन लोगों का मैसेज। SMS करता हूँ आपको, जूही का पूरा SMS करता हूँ। ओके, और आपका कस्टमर को किसको मेल करना पड़ता है, किससे मीटिंग करना है वो भी बोल दीजिए सर, आई एम रेडी टू डू। जी 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 जी, ओके, थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू, बहुत अच्छा लगा सर जी बात करके। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, भगवान आपको खुशी रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओके, थैंक।